हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G64 फ़ोन है, तो मोटो G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में DPI को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन का DPI आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने मोटो G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन का DPI आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन में DPI को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि DPI को इंक्रीज कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन का DPI आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और DPI को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में, तो आप देख सकते हैं। तो आपके पास सेटिंग्स आ रही है। तो इसमें से आपको सिस्टम सेटिंग्स पे या फिर अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन पे जाना है, वर्जन पे जाना है और डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देना है। डेवलपर बिल्ड नंबर्स को ऑन करते फिर आपको यहाँ से सिस्टम पे जाना है। तो डेवलपर सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके फ़ोन में ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसके जरिए DPI को आप इंक्रीज कर सकते हैं। बस स्लाइड करना है। क्लिक करते ही फ़ोन में DPI को आप इंक्रीज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट विथ ऑप्शन के जरिए, जिसको आप DPI को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस पर जाकर अपने DPI को आप 500 करते हैं, तो 500 में DPI आप देख सकते हैं कि स्मॉल हो जाएगा और स्मॉलेस्ट शो करेगा। एंड आप चाहें तो इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, बस आपको उसको 300 कर देंगे तो 300 पे जो DPI आपका नॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाएगा और सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी DPI को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने मोटो G64 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी